नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेज टूल के बारे में। इस टूल की मदद से हम इमेज में से अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं या उसे इमेज में ही किसी दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले इस बैकग्राउंड लेयर की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस जे। अब टूल्स पैलेट से यहां पे राइट क्लिक करके पेज टूल सिलेक्ट करेंगे। अब ऑप्शंस बार पे चलते हैं। यहां पे सिलेक्शन के लिए चार ऑप्शंस अवेलेबल है, जिनमें से पहला है न्यू सिलेक्शन, दूसरा है एड टू सिलेक्शन, तीसरा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और चौथा है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। अब नेक्स्ट ऑप्शन है पेच। यहां पे पेच ऑप्शन में दो मोड है, नॉर्मल और कंटेंट अवेयर। जब बैकग्राउंड नॉर्मल सा हो तब नॉर्मल मोड से काम चल जाता है, लेकिन जब बैकग्राउंड कॉम्प्लिकेटेड हो तब कंटेंट अवेयर ऑप्शन का यूज करेंगे। तो पहले नॉर्मल मोड सिलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सोर्स, जो कि डिफॉल्ट ही सिलेक्ट होता है। सोर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करने से सब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा। अब सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं इस तरह से। अब इस सिलेक्शन को ड्रैग करके बैकग्राउंड के साथ मैच करते हैं। और इसे रिलीज कर देते हैं। और आप रिजल्ट देख सकते हैं। इसे अंडू कर देते हैं, कंट्रोल प्लस जेड। अब पेच ऑप्शन में कंटेंट अवेयर मोड सिलेक्ट करते हैं, फिर से सिलेक्शन करते हैं। और सिलेक्शन को ड्रैग करके बैकग्राउंड के साथ मैच करते हैं। वाओ, और आप मैजिक देख सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब अगर डेस्टिनेशन ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो सब्जेक्ट को इमेज में ही एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और अब हम इस बोट को सिलेक्ट करेंगे। अब इस सिलेक्शन को ड्रैग करके इमेज में ही दूसरी जगह पे सेट कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।